गाइज वेलकम टू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो गाइज आज छुट्टी है। आज किस चीज की छुट्टी मुझे ये नहीं मान, बस हाँ आज छुट्टी है। तो बहुत देर हो गई है, आज हो गया है 12 बज गई है और ब्रेकफास्ट वगैरह अब हुआ है एज यूजुअल। आपको तो पता है छुट्टी वाले दिन तो सब कुछ लेट होता है, तो ब्रेकफास्ट हो गया और अब मैं जा रही हूँ लंच की तैयारी करने। पनीर बनाने जा रही हूँ, मटर पनीर। तो शाही पनीर बनाने का सोचा था लेकिन खोया नहीं मिला, तो मटर पनीर बनाना पड़ रहा है। तो और सबका सब तैयार हो गए हैं, मतलब कि सब नहा के रेडी हो चुके हैं एक्सेप्ट पिशा। तो अभी मुझे सुबह से अभी तक टाइम नहीं मिला कि मैं उसे नहला पाऊँ। और उनके डैडा तो एक दिन नहला दिए तो बहुत बड़ी बात हो गई, वो तो नहीं नहलाते जल्दी क्योंकि उनको तो वो पागल कर देती है बाथरूम में। मैं तो मार पीट देती हूँ और वो पीटते नहीं हैं। अभी पिटी है वो, फिर से वो जूस पी रही थी, जूस पीते पीते उसने टेट्रा पैक ऐसे दबाया पूरा सोफा पे वो कर दिया, तो अभी मैं उसको पीट के आ रही हूँ। हाँ तो बचाने के लिए तो उनका डैडा है ही आज, तो आज ज़्यादा मैं मार नहीं सकती उसे। तो ये लोग मूवी देख रहे हैं और मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तो नाश्ते में मैंने उत्पम बनाया था आज और अब खाने में मटर पनीर बनाऊंगी। और बोल रहे हैं कि वो बनाने के लिए क्या कहते हैं नान बनाने के लिए, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो नान नहीं बनाऊंगी मैं, क्योंकि अभी मुझे 12:30 बजने वाला है, 12:15 हो गया है, 12:30 बजने वाला है। अभी मेरा खाना भी नहीं बना है, अब मुझे पिशु को नहलाना है, तो आज उसके हेयर केयर डे भी है, तो आज उसके हेयर में मुझे कर्ड लगाना है और उसका बॉडी स्क्रब करना है। तो आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है नान बनाने का, बिल्कुल टाइम नहीं है, तो मैं नान नहीं बनाऊंगी। तो गाइस मटर पनीर और पुलाव एंड अगर पूरी कहेंगे तो पूरी बना दो, तो ये बनाने का मेरा आज का प्रोग्राम है। और शाम को हम लोग कहीं प्लान कर रहे हैं जाने के लिए, यहाँ पर लगा है दुबई कार्निवल, तो काफ़ी अच्छा है, मैंने सर्च किया है यूट्यूब में, काफ़ी अच्छा है। हम लोग एक्चुअली उस दिन बीबीक्यू गए थे तो वहीं रास्ते में था, तो बहुत अच्छे हैं झूले, बहुत अच्छे अच्छे हैं और बुर्ज खलीफा वगैरह सब बना है। तो भाई जाते हैं दुबई कार्निवल देख लेते हैं, भगवान जाने दुबई जाना कब संभव होगा, तो अभी तो दुबई कार्निवल से ही काम चलाना पड़ेगा। तो गाइस मैंने अनुराग से बोला कि आज मुझे दुबई जाना है, और अनुराग एकदम यू शॉक हो गए अनुराग सुन के, क्या दुबई, दुबई कार्निवल, दुबई नहीं, तो अच्छा अच्छा मुझे लगा अचानक दुबई कैसे जा रही हो तुम लोग। तो गाइस चलिए फिर खाना बनाते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये है सबसे ज्यादा नॉटी गर्ल, जो कि 2 बज रही है और लंच करने की जगह इनको लॉलीपॉप खाना है और सैंडविच खाना है, इनको खाना नहीं खाना है। और मैंने इनको इनके लिए पनीर की सब्जी और पूड़ी बनाया है लेकिन उनको वो नहीं खाना है। कह रही है गाइस आप बहुत गंदे हैं। क्यों गंदे हैं? क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते, इसलिए आप बहुत गंदे क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते पेशा को। और ये नॉटी गर्ल, इनको खाना नहीं खाना है। मम्मा डैडा एंड पेशा सब कट्टी हो गए हैं क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं और आप लाइक नहीं करते हैं, है ना? चलिए खाना खिला के। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में पिजन का बहुत इशू है और बहुत ज़्यादा पिजन आते हैं और एग दे जाते हैं और पिशा बहुत परेशान करती है। तो आज हम अपने बालकनी में नेट फिटेड करा रहे हैं, तो पिशा के रूम में लेके नेट फिटेड है। हाँ आ रहे हैं ये देखिए पूरा नेट लग गया पिशा के रूम में और अब हमारे बेडरूम में लग रहा है, ये देखिए गाइस मेरा लगा है।
हाँ आज यहाँ मैंने मॉर्निंग में आप लोग को बताया था कि यहाँ पर कार्निवल लगा हुआ है, दुबई कार्निवल, तो काफ़ी अच्छा लगा हुआ है। तो हम लोग का शाम का प्लान है जाने का। हाँ तो वही पेशा आपको बता रही है कि गाइस मेला लगा है, तो कार्निवल लगा हुआ है दुबई कार्निवल, तो हम लोग वहाँ जाएंगे। तो अभी हम लोग प्रिशा से बोल रहे हैं कि सो जाओ वरना हम लोग ले जाएंगे नहीं, ले जाएंगे नहीं। तो वही इरिटेट हो रही है, बोल रही नहीं मुझे नहीं सोना है, बिना सोए मुझे ले जाओ। तो देखा आपने हमारे बेडरूम में अभी फिटिंग चल रही है। तो चार, ये देखिए चार बालकनी है हमारी, चार बालकनी में, दो बालकनी में हम लगवा रहे हैं, फ्रंट बालकनी में नहीं लगवा रहे हैं, और एक बालकनी और है उसमें भी नहीं लगवा रहे हैं। तो दो बालकनी में नहीं लगवा रहे हैं, दो बालकनी में लगवा रहे हैं, क्योंकि वो दो बालकनी में पिजन कभी नहीं आती है, यही दो में आती है। तो चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बहुत बड़ा काम हो गया, दोनों बालकनी में मेरे लग गया है नेट, और इसकी बालकनी की मैं कल सफाई करवाऊंगी। ये नेट थोड़ा सा बड़ा पड़ा था लेकिन उसने टाई कर दिया है, ये कटने से बेकार हो जाता, अब पिजन नहीं आ पाएगा, बिल्कुल नहीं आ पाएगा। तो गाइस देखा आपने काम कितना आसान हो गया है, कि लग गया है तो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। ये देखिए बालकनी सो रहे हैं, ये दोनों सो रहे हैं, और मैं तो ये काम करा रही थी, एग्जॉस्ट वगैरह भी ख़राब हो गया था, अनुराग एग्जॉस्ट चला के ऑफिस चले जाते थे, बंद ही नहीं करते थे, डेली का उनका था, तो उससे थोड़ा सा एग्जॉस्ट ख़राब हो गया था, तो वो भी रिपेयर कराया, ऐसा हो गया काम। अब मैं चाहूँ तो थोड़ी देर रेस्ट कर सकती हूँ लेकिन टाइम नहीं है, क्योंकि आंटी हैं, आंटी काम कराना है, और अभी पूरा काम करा कर तो हम लोग को निकलना है, तो मैं सोऊंगी नहीं, थोड़ा जो फैला है वो सही करूँगी। तो गाइस ये ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, बाय एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए जिससे कि हमारे आने वाले ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बाय।